अच्छा गूगल डॉकिंग में हम करते ऐसे हैं कि हम एडवांस तरीके से सर्च करते हैं नॉर्मल तरीके से नहीं सर्च करते हैं हम एडवांस तरीके से सर्च करते हैं गूगल पे अच्छा फर्स्ट सर्च करते हैं वो हम करते हैं एक बुक के बारे में रिच डैड पोअर डैड, एंटर ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं इसके ठीक है लेकिन ये सिंपल रिजल्ट्स हैं ठीक है यहां पर आपको एमेजोन का एक पेज मिलेगा रिच डैड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज मिलेगा विकीपीडिया का पेज मिलेगा लेकिन यही होगा लेकिन अगर इसमें हम इसके साथ ऑपरेटर्स यूज करेंगे जैसे कि फाइल टाइप पीडीएफ एंटर तो ये हमारे पास जो सारे रिजल्ट्स होंगे वो पीडीएफ के आ जाएंगे ठीक है ये पीडीएफ्स हमारे पास आ जाएंगे इसकी सारी और इसमें जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो आपकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी तो ये एक एडवांस तरीका है उसके बाद एक शो है वेरी पॉपुलर गेम ऑफ एक्चुअली मिस्टर रोबोट को हम सर्च करते हैं जैसे कि मिस्टर रोबोट आपने देखा होगा तो अगर आपकी सिंपल सर्च होगी तो आपके पास ऐसे सिंपल ही रिजल्ट आएंगे जैसे आपके पास आते हैं लेकिन अगर आप इसके साथ एक ऑपरेटर ऐड कर दोगे जो कि होगा फाइल टाइप सॉरी टाइप एम के वी फॉर्मेट है वीडियो का जो के अभी ज्यादातर यूज होता है ठीक है पहले एम भी फोर होता था लेकिन एम के वी बहुत ज्यादा यूज होता है अच्छा फाइल टाइप हमारे पास आ गई है फाइल टाइप एम के वी तो ये हमारे पास जो भी फाइल्स होंगी एम के वी वाली जिस पेज पे होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी ठीक है तो ये एक एडवांस तरीका है ए, सर्च का ऑपरेटर्स को यूज करके ठीक है फाइल टाइप की बजाय आप जो है एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो ई एक्स टी और ये आपके पास जो एम के वी वाले रिजल्ट होंगे वो आपके पास आ जाएंगे आप गूगल की एडवांस सर्च को भी यूज कर सकते हो जो कि यहाँ पर कहीं पर अवेलेबल होगी लेकिन वो जो है इतनी अफेक्टिव नहीं है एडवांस सर्च जो है वो इसकी इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी इसकी गूगल डॉकिंग को यूज़ करके जो है की जाती है सर्च जैसे कि यहाँ पर आप ऑल द वर्ड्स टाइप कर सकते हो लैंग्वेज क्या है रीजन क्या है फाइल टाइप क्या है यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट्स मिलेंगे वो वेरी लिमिटेड होंगे जैसे कि एम के वी एम पी फोर वगैरह फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पर आपको बेसिकली पी डी एफ वगैरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सल वगैरह के जो फॉर्मेट वगैरह होंगे वो आपको मिलेंगे तो आपको दूसरे फॉर्मेट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे तो इसलिए जो गूगल टॉपिंग है वो एक इफेक्टिव मेथड है इससे आप सिर्फ फाइल टाइप्स ही नहीं इससे आप और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो कर सकते हो जैसे टर्मिनल सर्विस जो वेब होता है उसकी मदद से आप लॉग इन कर सकते हो ठीक है तो आप किसी की किसी भी वेबसाइट को अगर सर्च करोगे तो आप उस पेज पर पे नहीं पहुँच सकोगे अगर आप अगर आप वेबसाइट पे जाओगे और आपके पास लिंक होगा टर्मिनल सर्विसेज वेब का तो उस पर भी क्लिक करोगे तभी भी आपका जो लिंक होगा वो ओपन नहीं होगा लेकिन गूगल डॉकिंग को यूज करके आप वहां तक पहुँच सकते हो अगर तो उसका जो लिंक है वो इंडेक्स्ड है गूगल में ठीक है तो उसके लिए ऑल इन यू आर एल टी एस वेब default.htm जैसे ये देखें कुछ वेबसाइट्स हैं जिन जिनको इस पेज को सर्च इंजन से रिमूव करने का याद नहीं रहा तो ये उनके पेज को आप जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हो ठीक है ये देखिए ये इस पेज को रिमोट डेस्कटॉप के कनेक्शन को आप यहां से एक्सेस कर सकते हो विद यूजर नेम एंड डोमेन वगैरह जो है वो बाद की बात है आपने कैसे हासिल करना है लेकिन ये पेज को आपको एक्सेस मिल गई है इसका ये जो यू है ये इन्होंने नहीं था इंडेक्स किया जैसे ये एक और वेबसाइट है लेकिन ये फॉरम है एक्चुअली फॉरम है यहाँ पर डिस्कशन वगैरह हो रही है आई थिंक दिस वन एजुके दिस इज आई थिंक यूनिवर्सिटी वेबसाइट और समथिंग जैसे ये भी पेज है ठीक है ये भी पेज को हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से और एक और था जिससे आप जो कैमराज वगैरह हैं उनको एक्सेस कर सकते हो अभी जैसे मैंने इसे सर्च किया है डॉट एस टी एम जहां आप जो वेबसाइट है उसका नेम डाल सकते हो ठीक है जहां पर जो वेबसाइट है जैसे साइट यहाँ पर कोई भी जो साइट है आपकी टेस्ला डॉट कॉम लेकिन टेस्ला का जो सर्वर है सॉरी टेस्ला का जो ये पेज है वो इस सर्च इंजन में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आप जो साइट है उसे भी डाल सकते हो सिंपल भी आप जो है ना नेम लिख सकते हो साइट के यहाँ पर ठीक है लेकिन साइट ऑपरेटर अगर देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो जो हम बात कर रहे थे कैमराज की एक और गूगल डॉक है जिसकी मदद से आप जो लाइव कैमराज हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हो वो है इन जी आर All in view और उसके बाद स्लैश इंडेक्स डॉट एस एच टी एम ये हमारे पास कुछ आ गए हैं कैमरास मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ अच्छा तो ये देखेंगे हमारे पास कैमरा आ चुका है इसका एक और इस पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगी हुई और ये असल में सर्च इंजन में भी जो है वो इंडेक्सड है तो ये जो डार्क है इसके साथ आप साइट को लगा के देख सकते हैं कि उसका एक कोई एस एच टी एम एल का पेज वगैरह तो नहीं जो कि सर्च इंजन में है तो ये भी एक वन ऑफ तो द वेरी इफेक्टिव मेथड्स है ठीक है कैमरा एक्सेस करने का उसके बाद एक और भी तरीका है जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड और फाइल टाइप तो इसमें हमारे पास पहले तो इसकी वर्ड लिस्ट आई है लेकिन ये जो सेकंड है ये एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो इसकी ये फाइल हमारे पास डीएक्सडी आ गई है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल सकती है उसके बाद आपने अगर डिफरेंट डॉक्स चेक करनी है तो आप एक्सपॉय डी में भी देख सकते हैं उसके लिए गूगल हैकिंग डाटा ये एक्सप्लायर डीबी पे जो गूगल हैकिंग डेटा बेस है वहां पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा और यहां से आप जो है डॉक्स देख सकते हैं जो कि डेली की डेली जो है वो न्यू आती हैं जैसे कि ये आज इतनी ज्यादा डॉक्स आई हैं तो इन डॉक्स को आप यूज कर सकते हो ठीक है यहां से ही जो है ना आप इसे कॉपी करके तो देख सकते हो डॉग्स को और फर्दर इन्हें एक्सप्लोर करो ठीक है ये बहुत सारी हैं अराउंड अबाउट इसके 400 से ऊपर पेजेस हैं तो आप इन्हें थोड़ा एक्सप्लोर करो ठीक है और देखो डिफरेंट डॉग्स कैसे वर्क करती हैं अच्छा जैसे अभी हमने पहले फिशिंग भी जो है डिस्कस किया है तो वन थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया वो है स्पीयर फिशिंग ठीक है फिशिंग तो होता है अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को अटैक कर रहे हो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो और उसमें कोई भी आपका एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं है लेकिन अगर आप श्योर हो कि टेस्ला डॉट कॉम का जॉनथन जो है उसे ही आपने टारगेट करना है तो वो कहलाता है स्पीयर फिशिंग जो कि ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आपका टारगेट स्पेसिफिक है तो वो कहलाएगा स्पीयर फिशिंग जैसे फिशिंग है वैसे ही फार्मिंग भी है फिशिंग में तो ये होता है एक बोगस बोगोसा पेज होता है एक जो ओरिजिनल पेज नहीं होता वो उस इसकी तरह का पेज होता है वो क्रिएट किया गया होता है तो उस पर आपको सेंड करके इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है लेकिन अगर आप फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग फार्मिंग में डी को पॉइजन किया जाता है मतलब कि जैसे आपको बताया था डी एन ही टेक केयर करता है जो होते हैं होस्ट नेम टू आई पी वगैरह तो उसमें डी को पॉइजन किया जाता है और आपकी जो आप उसी वेबसाइट पर जाओगे वो आपको फेसबुक डॉट कॉम ही नजर आएगा लेकिन उसका आईपी कोई और होगा क्योंकि आपका डीएनएस जो होगा वो पॉइजन हो चुका होगा और डीएनएस को बताया जाएगा कि फेसबुक डॉट कॉम उस आईपी पे नहीं इस आईपी पर है ठीक है तो फार्मिंग बहुत ही डेंजरस होता है उसमें जो है आपको पता नहीं लगता क्योंकि यहाँ तो आप देख सकते हो जैसे आपको आपने पहले देखा माइक्रोकॉफ्ट था वो तो आपको थोड़ा बहुत पता लग सकता है लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम ही होगी तो आपका ट्रस्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन फार्मिंग में डीएनएस को पॉइजन कर दिया जाता है और जो वेबसाइट होती है ए, होस्ट नेम तो वही रहता है लेकिन आई डिफरेंट होता है पीछे ठीक है और उसके बाद हम बात करते हैं हमने बात, हैं। हमने बात की थी सोशल मीडियाज की भी कि कैसे सोशल मीडिया यूज करके जो आइडेंटिटीज वगैरह होती हैं उन्हें स्टील किया जाता है और सोशल मीडिया से नंबर्स वगैरह जो होते हैं उन्हें लेकर कैसे उसमें जो है उसे रिसर्च किया जाता है तो एक मैं वेबसाइट को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि फोन नंबर की इंफॉर्मेशन